भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब भगवान रामलला के जन्मोत्सव को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। भगवान रामलला के जन्मोत्सव के दरमियान भगवान का पट रामनवमी के दिन 24 घंटे खुला रहेगा। इतना ही नहीं, आगामी 3 दिनों तक 24 घंटे तक प्रभु राम अपने भक्तों को दर्शन देते रहेंगे। मात्र भगवान के भोग और श्रृंगार के लिए कपाट बंद किया जाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट इसके लिए तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही जिला प्रशासन अयोध्या आने वाले राम भक्तों को बेहतर सुविधा देने के लिए भी तैयारी अभी से शुरू कर दिया है। बीते दिनों अयोध्या दौरे पर आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या आने वाले रामनवमी को लेकर वरिष्ठ अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की थी। उस बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि आगामी रामनवमी में लगभग 50 लाख से ज़्यादा राम भक्त के आने की संभावना है। ऐसे में राम भक्तों को आराध्य का दर्शन आसानी से हो सके, किसी प्रकार उनका दर्शन पूजन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर अब रामनवमी से लेकर अगले 3 दिनों तक 24 घंटे प्रभु राम का दरबार राम भक्तों के लिए खुला रहेगा। ये तो बात हो चुकी है पहले भी कि इसमें जो है, चूँकि अगर हम लोग अगर बढ़ाएंगे नहीं, उसमें घंटों को बढ़ाएंगे नहीं, तो इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे, उनको विजिट करना मुश्किल होगा और भगवान के दर्शन नहीं हो पाएंगे, तो उसकी तैयारी की गई है। उसके अलावा वहाँ 24 घंटे किस प्रकार से हम लोग दर्शन कर सकते हैं, ड्यूटीज़ भी इस तरह से लगाई जाएंगी ताकि वहाँ पर लगातार वहाँ पर लोग तैनात रह सकें और किसी प्रकार की असुविधा हमारे श्रद्धालुओं को ना हो। मतलब सर, ये रामनवमी में 3 दिन तक 24 घंटे पट खुला है जी। अब 24 कुछ बीच में जहाँ जब आरतियाँ होती है, जो वहाँ पर कुछ समय के लिए बंद होगा, बहुत ही कम समय के लिए बंद किया जाएगा, परंतु जो रात्रि 9:30 बजे बंद कर हो जाता था, सुबह 6:30 बजे खुलते थे, उस व्यवस्था को थोड़ा सा परिवर्तित किया जाएगा उन 3 दिनों के लिए। देखिए, उसके लिए होल्डिंग एरियाज़ बनाए जा रहे हैं, रेलिंग का निर्माण कराया जा रहा है, और जब बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे तो उनको किस रूट से हमको लेके जाना है, नए रूट्स को चिन्हित किया गया है और उन रूट्स पर श्रद्धालुओं को ले जाकर ये व्यवस्था की जाएगी कि सब लोग सुगमता से दर्शन कर सकें।